गुड मॉर्निंग एलकेजी बेटा, हिंदी बुक का पेज नंबर 29 ओपन करिए। कल एक्सरसाइज 2 रिवीजन हुआ था, आज होगा एक्सरसाइज 3। क्या करना है इसमें देखिए, कराया गया है लेकिन आज आपको कॉपी में इसे करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। ठीक है, देखो ऊपर दिए रहते हैं शब्द अकड़, शयन, भगत, डगर, चमन, नरम, पहल, गरल। ठीक है, अब इधर कुछ शब्द दिए हैं जैसे नगर। आपको करना यह है कि नगर से मिलता जुलता शब्द आपको इसमें से ढूंढना है और उसको नगर के सामने आपको लिखना है। ठीक है, देखिए न गौर, गौर अंत में है ना, न के बाद क्या है गौर। अब आप इसमें ये ढूंढेंगे कि किस शब्द के लास्ट में गौर आया है गर। देखो यहां गौर नहीं है, यहां भी गौर नहीं है, यहां भी गौर नहीं है, यहां पर गौर है। शब्द क्या है डगर, नगर डगर, हो गया एक जैसे मिलते जुलते शब्द। अब देखिए ज ग त जगत, लास्ट में क्या है ग त। देखो यहां पर ग त है नहीं, ग त नहीं, ग त यस, भगत जगत, भगत जगत के साथ क्या आएगा भगत। अब देखिए अमन, लास्ट में क्या है म न, ठीक है म न है नहीं, म न है नहीं, म न नहीं, म न नहीं, म न यस। चमन, अमन चमन। अब देखिए स र ल सरल, लास्ट में क्या है र ल, यहां र ल है नो, र ल 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 यस। सरल गरल, ठीक है ऐसे ही आपको करना है। मैं पूरा पूरा रीडिंग करा रही हूं, ये आपको कॉपी में करना होगा। ठीक है, बोलिए नगर डगर। बार बार रीडिंग करेंगे तो आपको खुद ही आ जाएगा बिना लिस्ट देखे कि नगर के साथ क्या आएगा डगर। जगत भगत, जगत भगत, अमन चमन, अमन चमन, सरल गरल, सरल गरल, गरम नरम, गरम नरम, टहल पहल, टहल पहल, नयन शयन, नयन शयन, जकड़ अकड़, जकड़ अकड़। ठीक है बेटा, इसको बार बार रीडिंग करिएगा और इसको कॉपी में करिएगा तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके बेटा, थैंक।